どうでしょうか。今映りましたか？はい。皆さんどうでしょうか。映ってますか？あ、今映ったかな？はい。こんにちは。はい、サイフさん、こんにちは。はい。あ、パワンさん、こんにちは。アヌジさん、こんにちは。はい、アニケットさん、こんにちは。はい、ロヒットさん、こんにちは。はい、ビプールさん、こんにちは。マリークさん、こんにちは。はい、スーラジさん、こんにちは。はい、プレームさん、こんにちは。はい、ロヒットさん、こんにちは。はい、すいません、最初の方ちょっと映らなかったんですけど、Zoom につなげて今、配信しています。Zoom पे लगाकर अभी लाइव चल रहा है。はい、バイバブさん、こんにちは。ビクラムさん、こんにちは。はい、はい、ありがとうございます。はい、ハイドラバードからプレームさん、ありがとうございます。はい、それではですね、今日早速、TITP、からまずご紹介していきたいと思います。सबसे पहले TITP क्या है बताती हूँ। ऐसे जो जापानी लैंग्वेज सीखकर आप लोग को कैसा मौका मिलेगा, इसमें बहुत तरह के ऑप्शन है। एक है जो दूसरा है कि जो जापानी कंपनी इंडिया में बहुत सारा है, तो जापान जाने का थोड़ा सा हिम्मत नहीं है, या तो कुछ परिवार को देखना पड़ता है यहाँ पे, तब इंडिया में भी जापानी कंपनी बहुत सारा है, तो उसमें भी नौकरी मिल जाएगा। जापानी लैंग्वेज सीखेंगे तब एक तो इंडिया में, एक तो जापान में ये बहुत तरह के, इसमें बहुत तरह के रास्ता है, ठीक है। तो अभी आप लोग को कुछ दिखाऊंगी।はい、見えてますか？ワークインジャパンね。はい。スコープオブラーニングジャパニーズランゲージね。ジャパニーバーシャーシークネセ会社バビシュメウミデミルタヘ。ये आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले TITP क्या है? TITP है कि जो टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, तो ये टेक्निकल का जो काम सीखने का होता है, इंटर्न होता है जो ट्रेनिंग लेने का काम होता है। तो ये है जापान और इंडिया का दोनों सरकार का जो योजना है TIP, तो इसके बारे में बताती हूँ। NSD मैं बता रही हूँ। सॉरी, अभी PDF नहीं खुल रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा फिर से PDF को स्टार्ट करते हैं।はい、ちょっと待っててくださいね。ये TITP है जो इंडियन युवा लोगों को जापान में ट्रेनिंग लेने का मौका देना है। तो जापान में 3 साल काम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। तो जापान में वही जापान का जो टेक्नोलॉजी सीखेंगे, जापान का काम करने का तरीका सीखेंगे और ट्रेनिंग है और उसके साथ साथ सैलरी भी मिलता है। वहीちょっと待ってくださいね。はい、開けました。今度はいけるかな。よいしょ。はい。ね、TITP。ऐसे जो मोदी जी और जापान के शिंजो अबे जी जापान के PM हैं, तो दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो यही TITP का योजना शुरू किए हैं। ये 2017 से शुरू हुआ। 2017 में दोनों सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो लगभग 2018 में ट्रेनिंग शुरू हुआ है। इसमें है जो जैसे जापान में क्यों जापान में काम करना है कि जो जापान में अप्रोविजने होंगे, जो युवा लोगों के पॉपुलेशन बहुत कम होते जा रहा है। ऐसे जो बर्थ रेट बहुत कम है और शादी करने का रेट भी बहुत कम है और जो शादी करेंगे भी जो बच्चा कोई बनाते नहीं है और जो क्या बोलते हैं बुरा लोग हैं, बहुत सारा संख्या बढ़ते जा रहा है। तो युवा लोग का बहुत खामी है। तो वहाँ पे जापान में हर कंपनी में बहुत युवा लोग के स्टाफ का खामी है। तो विदेशी लोग का मदद चाहते हैं। तो अभी तक जो है चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह से जो लोग युवा लोग जाते थे। तो अब 2017 से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इंडिया से भी युवा लोग जापान में जाकर जो इंसान का काम कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जापान के बारे में बताती हूँ। ऐसे जो आप लोग जापान के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे। ऐसे जो जापान है, जो आइलैंड है, बहुत सारा आइलैंड है, तो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, बहुत छोटा देश है। ऐसे जापान का जो फ्लैग है, ये ऐसे जो पूरा उजरा में बीच में गोल सा लाल है, सबसे सिंपल वाला, दुनिया में सबसे सिंपल वाला फ्लैग है। और वहाँ इंपीरियल फैमिली रहते हैं, एम्पेरा जैसे जो बहुत महाराजा जैसा, जो बहुत पुराना समय से जो रहते हैं, तो अभी तक चल रहा है रॉयल फैमिली, अभी तक चल रहा है। और वहाँ का जो नेशनल एंथम है किमी गायो, ये होता है। ये किमी गायो भी सबसे सिंपल है और सबसे छोटा लिरिक्स वाला नेशनल एंथम है पूरा वर्ल्ड में। हाई फिर वहाँ के जो रिलीजन है, वहाँ का धर्म है, ऐसे बुद्धिज्म ज्यादा है और सिंटोइज्म भी होता है। सिंटोइज्म भी है, जो उसमें कुछ कुछ हिंदू का भगवान भी मिला हुआ है, बहुत पुराना धर्म है। तो सिंटोइज्म भी चल रहा है और बुद्धिज्म भी चल रहा है और क्रिश्चियनिटी ईसाई वाला भी चल रहा है और कुछ कुछ मुस्लिम लोग भी रहते हैं। और जापान है जो ऐसे पैसिफिक ओशन है, चाइना का बगल में, और बहुत छोटा है। और जो वहाँ का कैपिटल सिटी है टोक्यो, और पॉपुलेशन इतना है, मतलब बहुत कम संख्या है। इंडिया से तुलने पर बहुत कम संख्या है। और वहाँ का टेम्परेचर देखिए, मैं दिखा रही हूँ, ये सबसे गर्मी समय का, जापान में सबसे गर्मी समय इतना है, 35-36 मैक्सिमम है सबसे गर्मी। कभी कभी जो अब नॉर्मल वाला टेम्परेचर कभी कभी 40 तक हो जाता है, लेकिन जो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। आजकल थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग के चलते या कुछ जो पृथ्वी पर इधर उधर जो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसी वजह से। लेकिन जो हमेशा नॉर्मल समय तो ऐसा है, अगस्त में सबसे गर्मी है जापान में। तो बस इतना इंडिया में तो बिल्कुल नॉर्मल है ना। हाँ, तो ये जापान का खाना है, जापानी खाना है, जो बिल्कुल इसमें तीखा नहीं है, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल सादा है और हल्का फुल्का, तरह सा जो हल्का नमकीन है और हल्का मीठा है। तो और इसमें जो टेस्ट बनाने के लिए मछली का जो छिलका को इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा शुरू में अजीब लगेंगे, लेकिन जो धीरे धीरे खाते खाते आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। इसी तरह होता है। ये वेजिटेरियन खाना है, वेजिटेरियन खाना भी मिलता है, लेकिन बहुत कम जगह मिलता है। और ये जापानी मिठाई है, जापानी मिठाई। और जापान के बारे में तो चेरी ब्लॉसम, साकुरा बहुत फेमस है ना। साकुरा, अभी तो साकुरा का फेस्टिवल बिल्कुल हर जगह बंद हो गया था कोरोना वायरस के चलते, लेकिन हर जगह बहुत अच्छा से खिल रहा था। तो ये देखिए, TITP तो जापान में नौकरी करने का है, इंटर्नशिप है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन सिर्फ जापान में काम करना ऐसा मौका नहीं है, जो और भी है, जो इंडिया में बहुत सारा कंपनी भी होता है, तो ये जापानी में लिखा हुआ है, लेकिन जो हर जगह का जो में लिखा हुआ है, तो इसमें नंबर दिया हुआ है जो जापानी कंपनी, जापानी रिलेटेड कंपनी फैक्ट्री का जो नंबर है इतना इतना होता है। तो दिल्ली में तो 340, ये 2019 का डाटा है 2019 का, तो इतना इतना होता है। बहुत 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 सारा, हरियाणा में 609 और गुजरात में 383 और यूपी में 319 और जो महाराष्ट्र में 810 इतना इतना और है जो तमिलनाडु में 620 इसी तरह। और ये है जो जहाँ पे कंपनी है, ऑफिस है, इसका नंबर है। तो ये इसको देखने से जो पता चल जाता है 2006 में 550 कंपनी था जापानी। तो ये 2018 में 1441 कंपनी का नाम रजिस्टर किया हुआ है। ये भी देखिए, ये जो इंडिया में जापानी कंपनी कितना कितना हर साल बढ़ते जा रहा है, यही बताया हुआ है। ये जेतरो का होम पेज से है। तो 2006 में इतना इतना था 352, फिर 2018 में 5102। ये ब्रांच भी मिलाया हुआ है, कंपनी और ब्रांच इतना इतना बढ़ गया है। फिर जापान में जो रिसर्च किया है, तो जापानी लोग जो बिजनेस करते हैं पूरा भारत में, तो उन लोग का रिसर्च हुआ है। तो कहाँ कौन सा देश में कंपनी को खोलना, बिजनेस करना जो उम्मीद है, आशा है, ऐसा जो रिसर्च किया है। तब इसमें 2014, 2015, 2016 में 3 साल लगातार नंबर 1 में इंडिया का नाम आ गया था। ये तो मोदी जी और आबे जी का जो कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है। तो इंडिया जापान का जो कोऑपरेशन से JIT बोलते हैं, जापान इंडस्ट्रियल टाउन। तो लगभग 10 जगह 12 जगह ऐसा सिटी बनाया हुआ है, पूरा डेवलपमेंट वाला सिटी ना, जो जापान का जो कोऑपरेशन से ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया बनता है। है शार्प हो गया।皆さん見えてますか？はい、見えましたね。はい。すいません、インターネットが切れていました。はい。はい、じゃあこれを見てください。ये देखिए जो इंडिया में कौन कौन सा कंपनी जापानी कंपनी आ चुका है। बहुत सारा है तो सिर्फ फेमस वाला कुछ कुछ दिखाती हूँ। ये है कांसाई नेरोलैक, आप लोग एडवर्टाइज देखे होंगे। ये है जापान में भी कांसाई पेंट बोलते हैं और शार्प ये भी जानते होंगे और कैनन और कासियो, ये भी कासियो पियानो वाला। फिर डाइकिन, ये एसी का कंपनी है। और ये याम्मा हो गया जो जेसीबी और ट्रैक्टर टाइप का जो ऐसा व्हीकल बनाते हैं, जापान में भी बहुत बड़ा कंपनी है। और फुजित्सु है जो ये कंप्यूटर वगैरह का कंपनी है। तो इसमें मेरा पुराना स्टूडेंट नौकरी ले लिए हैं। और पैनासोनिक तो बहुत फेमस है। और सोनी, ये भी कहना नहीं है, बिल्कुल सब जानते हैं। और तोशिबा और फिर टोयोटा, फिर हिटाची, फिर होंडा और मारुति सुजुकी और मित्सुबिशी और यामाहा और निस्सिन। ये नूडल है मैगी टाइप का, ये भी बहुत जापान में बड़ा कंपनी है। और एप्सॉन, ये प्रिंटर और प्रोजेक्टर का कंपनी है। और ये मित्सुबिशी का जो जैसे फ्लाइट का जो एरोप्लेन का बॉडी बनाते हैं या बहुत बड़ा शिप बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं। और जो ट्रेन का बॉडी वगैरह बनाते हैं। उसी तरह जो बहुत बड़ा हेवी इंडस्ट्री वाला भी मित्सुबिशी का कंपनी है। और ये पर्सोना है, ये जो नौकरी को इंट्रोड्यूस करने का जो कंपनी है। इसी तरह बहुत सारा कंपनी आ चुके हैं इंडिया में। तब जो देखिए, ये देखिए, हाँ, तो TITP का बात फिर बताती हूँ। TITP में जापान में 3 साल का ट्रेनिंग करना है। तो जापान चले जाएंगे, ठीक है। जापान जाने के पहले कुछ समय ट्रेनिंग होगा, जाने के पहले ट्रेनिंग होगा। 6 महीना से फिर जो 1 साल तक ट्रेनिंग होगा। पूरा जापानी भी सीखना है और कैसे कैसे काम करना है जापानी लोग के साथ, वो सब भी सीखेंगे। तो जापान जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तब जो महीना एवरेज इतना मिलता है जो 60,000 रुपीज से जो 80,000 रुपीज महीना। ये टैक्स, इंश्योरेंस, ट्रेनिंग फी को पूरा काट के इतना मिलेगा। तो 1 साल में इतना है और 3 साल में इतना कमा सकते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोसीजर है। ऐसे जो अभी बताई थी, जो इंडिया में जापान जाने से पहले इंडिया में 6 महीना से 12 महीना तक जो ट्रेनिंग लेना है। तो पूरा जापानी सीखना है और जो वहाँ का कल्चर पूरा सीखना है। और जो इस ट्रेनिंग के बीच में N4 लेवल तक पास होना जरूरी है, N5 से लेकर फिर N4। तो JLPTB N4 लेवल और फिर नाथ टेस्ट NAT नाथ टेस्ट भी होता है। तो ये दोनों बराबर है। JLPT बहुत फेमस है, लेकिन जो JLPT सिर्फ साल में 2 बार है, तो इस बार तो जुलाई बार हो गया। तो नाथ टेस्ट है जो 1-2 महीना में जो बार करते हैं, तो इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, JLPT से मुश्किल है। देखभाल करना है, सेवा करना है, खाना खिलाना है और कपड़ा वगैरह अच्छा से पहनाना है। तो इसी तरह काम है। तो इसमें मेरा स्टूडेंट है, अभी 2 स्टूडेंट वहाँ पे नौकरी ली है। तो अभी जो पिछले महीना से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है, तो अभी जापान में काम कर रहे हैं। तो और है जो फैक्ट्री वर्कर, इसमें भी बहुत डिमांड है। तो इसमें कैसा जो जॉब होता है कि ये बताती हूँ। लड़का लोग के फैक्ट्री का काम ज़्यादा है। लड़की लोग में जो सोइंग फैक्ट्री में भी काम होता है। तो इसमें भी मेरा स्टूडेंट चले गई है, इसमें भी नौकरी कर रही है। तो ये देखिए, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना, कंस्ट्रक्शन कंपनी जापान में जो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल दुनिया में लेटेस्ट टेक्निक सीख सकते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम है तो वहाँ पर पूरा बहुत हेवी चीज़ को उठाना पड़ता है। तो बिल्कुल आप लोग शरीर में ताकत होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। और पूरा जो बिल्कुल सोचिए, जो सेना बनना है, आर्मी में काम करना है, इसी तरह है। जो जापानी लोग हैं, बहुत ताकत है जापानी लोग। तो उन लोग के साथ काम करना है, तो आप लोग भी बहुत हेल्थी शरीर बनाना पड़ेंगे। और खास करके कंस्ट्रक्शन का काम में बहुत बड़ी चीज को उतारने का काम भी मिलता है, तो बहुत ताकत वाला चाहिए। इसमें है लगभग N4 लेवल है तो चलेगा, ज़्यादा लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन N4 तक हो जाएगा तो और अच्छा है। और कार फैक्ट्री है जो जैसे टोयोटा, होंडा वगैरह का जो अभी बताई थी। तो जापान में ऐसा फैक्ट्री बहुत सारा है। तो कार फैक्ट्री है जो बहुत सारा जो पार्ट्स होता है, कार के गाड़ी के पार्ट्स होता है, तो वो छोटा-छोटा पार्ट्स वगैरह, बड़ा-बड़ा पार्ट्स वगैरह, वो सब बनाने का फैक्ट्री बहुत सारा है। तो उसमें भी जो स्टाफ जो पार्ट्स कैसे बनाते हैं, पार्ट्स को कैसे जोड़ते हैं सीख लेंगे, तब फिर 3 साल बाद इंडिया में वापस आके फिर जो अपना कंपनी को भी खोल सकते हैं, या तो इंडिया में भी है जो गाड़ी का कंपनी, उसमें भी फिर नौकरी मिल जाएगा। ऐसे जो कैसे है जो कंस्ट्रक्शन, इसमें भी जो वहाँ पे जापान में ट्रेनिंग ले लेंगे 3 साल, तब इंडिया में वापस आके इंडिया में भी जो कंपनी, जापानी कंपनी कंस्ट्रक्शन वाला बहुत सारा आए हुए हैं, तो उसमें भी नौकरी मिल सकता है, या तो अपना कंपनी भी बना सकते हैं। फिर ये लड़की लोग के लिए क्या हुआ का, ऐसे लड़का लोग के लिए भी जो आगे ऑफर आएगा। क्या हुआ का काम है, बहुत अच्छा काम है। इसमें लेकिन N3 खोजते हैं। जापान जाने के लिए एक साल की ट्रेनिंग में N4 तक लेना है, तब वीजा मिलेगा। काम करना है। इसमें जो पेशेंट के साथ साथ जापानी में कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है, इसलिए जापानी लैंग्वेज का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो इसमें काम करेंगे तब बिल्कुल अच्छा टेक्निक सीख लेंगे किया वाका का। और फिर 3 साल के बाद फिर टेस्ट पास होने के लिए, तो उसमें पास हो जाएंगे तब जो आगे चलकर और लंबा समय किया वाका के रूप में जापान में काम कर सकते हैं। और आगे जो है बिल्कुल लगातार जिंदगी भर जो जापान में नौकरी सीट का ज्यादा ऑफर आता है। खास सीट का फैक्ट्री में काम करना ले सकते हैं। तो ये भी है जो वहाँ पर काम करके फिर यहाँ आके इसी तरह जो खास सीट बनाते हैं फैक्ट्री इंडिया में भी है, तो इंडिया में भी काम कर सकते हैं या तो और वहाँ भी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुविधा है। हाँ, तब देखिए ऐसे जो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग होंगे जो सैलरी कितना मिलता है। ऐसे जो एवरेज है ये फिक्स नहीं है, ऐसे जो मेरा नॉलेज में एवरेज बताती हूँ। तो TITP ऐसे जापान में 3 साल का इंटर्न ये मंथली है जो 60,000 to 80,000 ये तो बताई थी, ये रुपीज में है। तो जापानी कंपनी में इंडिया में काम करना है, नौकरी लेना है, तब लगभग इतना मिलता है। N4 लेवल से 40,000 रुपीज महीना, फिर N3 लेवल से 50,000 से जो 70,000 60,000 रुपीज महीना, फिर N2 लेवल से 60,000 to 70,000 महीना, फिर N1 लेवल से 70,000 से 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा भी कोई कमाते हैं। तो इसी तरह होता है। तो जापानी लैंग्वेज सीखने में बहुत फायदा है, लेकिन मेहनत चाहिए। कुछ चीज में भी कोई चीज में भी मेहनत तो जरूरी है। तो इसमें भी लेकिन मेहनत जितना मेहनत करेंगे उतना ही जो मेहनत का फायदा तो मेहनत का फल मिल जाएगा। बिल्कुल 2-3 साल लगातार अच्छा से सीख लीजिए तब बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। तो ऐसे जो हम लोग का जो बोध गया निहोंगो क्लास चलता है, तो इसमें कुछ लोग हैं जो जापानी लैंग्वेज सीखकर फिर जापानी कंपनी में नौकरी ले लिया है। तो कभी कभी जापान भी बिजनेस ट्रिप में चल जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो मेरा सिखाया हुआ स्टूडेंट लोग है बहुत गरीब घर से निकले हैं, लेकिन अभी बहुत अपना मेहनत करके बिल्कुल अपना पैर से खड़ा हो गया और अच्छा पैसा कमा रहा है और पूरा जापानी लोग के साथ अच्छा से काम कर रहा है। तो इसमें बहुत मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह जो इंडियन युवा लोगों को मौका देना चाहते हैं, लेकिन जापानी लोग के साथ काम करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। ऐसे जो जापानी लोग हैं, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, खुद डिसिप्लिन में रहते हैं। तो इंडियन लोग से भी डिसिप्लिन मांगेंगे। ऐसे जो बिल्कुल पंक्चुअल, बिल्कुल एकदम समय का बहुत वैल्यू देते हैं। बिल्कुल कुछ मीटिंग होता है, जैसे 3 बजे से मीटिंग है, तब 5-10 मिनट पहले से वहीं पर नजदीक में जाकर इंतजार करेंगे, पहले से जाकर इंतजार करेंगे। ऐसे जो 2 मिनट लेट हो गया, ऐसा नहीं होता है जापान में। तो बहुत बहुत मेहनत तो करना पड़ेंगे, तो लेकिन आदत बन जाएंगे, तब आप लोग को बहुत फायदा है। बिल्कुल एकदम शरीर भी फिट रहेंगे और बिल्कुल अच्छा तरीका से काम करना सीख लेंगे। थोड़ा जापानी लोग हैं पूरा वर्ल्ड फेमस वर्कहोलिक है, पूरा एकदम ड्यूटी करने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे इंडिया में क्या अच्छा है कि इंडियन लोग अपना परिवार को बहुत समय देते हैं। पूरा शादी वगैरह, पूरा फंक्शन में और त्योहार फेस्टिवल वगैरह में बहुत समय देते हैं। तो बहुत अपना जिंदगी को, अपना पर्सनल जिंदगी को एंजॉय करते हैं, इसमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो आप लोग जापानी सीखना चाहेंगे और जापानी कंपनी में काम करना चाहेंगे, इंडिया में भी जापान में भी, तो आप लोग एकदम बिल्कुल जो सतर्क रहिएगा। बिल्कुल आप लोग जापानी जैसा व्यवहार करना है, जापानी जैसा बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है। इंडिया खराब है, जापान अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जो खर्चा का डिफरेंस है, काम करने का स्टाइल का डिफरेंस है। लेकिन देखिए जापान इतना चौथा देश जो कहाँ चल गया, और इंडिया इतना बड़ा देश अभी तक कहाँ है। अभी तो शुरुआत हुआ, अभी विकास का शुरुआत हुआ, लेकिन अभी तक क्या कर रहा था? अभी तक सोया हुआ था। जापान है बिल्कुल एकदम अमेरिका के पीछे पीछे पूरा ऊंचा चल गया। तो इंडियन लोग में कोई खामी नहीं है, और बहुत तेज है, और दिमाग तो एकदम बहुत तेज है। बहुत जीनियस लोग इंडिया से, बहुत सारा साइंटिस्ट निकलता है, डॉक्टर भी है, बहुत सारे इंजीनियर तो बहुत सारा है। तो क्या फर्क है कि वही जो डिलीजेंट, मतलब ईमानदारी से काम करना, और जो बहुत मेहनत करके काम करना, और पूरा दिन भर ड्यूटी पर ध्यान देना, और अपना बारे में सोचने से पहले दूसरे लोग के बारे में ध्यान देना। तो इसी तरह जो खर्चा का डिफरेंस है, तो ऐसे सीख लीजिए। ऐसे जो जापान का जो तरीका, जापान उतना आगे चल गया, वही जो काम करने का तरीका के चलते उतना आगे चल गया है। तो आप लोग सीख लीजिए। तो वहाँ का तो जो काम करने का तरीका सीख लेंगे, फिर यहाँ लेके आइए, तब यहाँ पर जो इंडिया में बहुत जल्दी जापान जैसा पूरा आगे विकास हो जाएगा, मेरा सोच है। और जो जापानी लोग भी इंडियन लोग से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि जो जैसे इंडियन लोग हैं बहुत अपना सोच को एकदम डायरेक्ट बताते हैं। ऐसे जापानी लोग हैं बहुत शर्माते हैं, ज्यादा शर्माते हैं। तो सिर्फ जो सामने वाला क्या सोचेंगे ऐसे सोचते अपना ओपिनियन नहीं बोल पाते हैं, इसी तरह होता है। लेकिन जो इंडियन लोग हैं बिल्कुल एकदम दिल खोलकर डायरेक्ट मेरा सोच ये है, ये करेंगे तो अच्छा है, ये करना चाहिए, ऐसे सब लोग बोलते हैं। ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जो ये बहुत अच्छा तरीका है जो पूरा वर्ल्ड में देखिए तो इंडियन लोग हर फील्ड में नेतृत्व कर रहे हैं। इसका मतलब है बहुत बहुत अच्छा मतलब लीडरशिप है इंडियन लोग में। तो मुझे लगता है कि जापानी लोग हैं ज़्यादा शर्माना ठीक नहीं है, जो एकदम इसी तरह जो इंडियन लोग का जो लीडरशिप से सीखना चाहिए। तो आप लोग जाएंगे, आप लोग साथ में जापानी लोग के साथ काम करेंगे, तब दोनों का विकास हो जाएगा, दोनों तरफ फायदा मिल जाएगा, इसी तरह लग रहा है। ऐसे सिर्फ TITP नहीं है, और भी है जो बहुत सारा ऑप्शन है जापान में काम करने का होता है। जो TITP जो सबसे जो बेस है, सबसे बेस वाला जो स्टार्टिंग होता है। TITP के बाद फिर स्पेशल स्किल्ड वर्कर होता है। तो स्पेशल स्किल्ड वर्कर में और अच्छा सुविधा मिल जाएगा। और जो आगे और है जो जैसे कोई इंजीनियर है, पूरा इंजीनियर है, तो वही जो अपना स्पेशल स्किल को लेकर जो वहाँ पे काम कर सकते हैं, इसको बिल्कुल हाई लेवल वाला जो होता है कोड जिंजाई बोलते हैं, तो उसी में भी ट्राई कर सकते हैं। कोई इंजीनियरिंग वगैरह जो कुछ क्वालिफिकेशन बिल्कुल पक्का वाला लिए हुए हैं, तो जैसे कि IIT से ग्रेजुएट हो गए, NIT से ग्रेजुएट हो गए, इसी तरह सिर्फ IIT नहीं, लेकिन जो उसी तरह जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह जो अच्छा से ग्रेजुएट हो गए हैं, तब जो वही जो हाई लेवल वाला में ट्राई भी कर सकते हैं। और है जो जापानी लैंग्वेज में बिल्कुल अच्छा से कंसेंट्रेट करके जो सीख रहे हैं, तब N2 N1 होता है, तब जो इसमें कोड जिंजाई हाई लेवल वाला में जा सकते हैं। तो बिल्कुल इंटरप्रिटेशन का नौकरी जापान में मिल सकता है। तो ऐसे मैं बहुत सारा कंपनी जानती हूँ जापान में भी। तो ऐसे जो भविष्य में मतलब 2-3 साल बाद बिल्कुल जापान में काम करना चाहेंगे या जापानी कंपनी में इंडिया में काम करना चाहेंगे, ऐसा बिल्कुल वैसा जो भविष्य का निर्णय करेंगे, तब मेरा BNC में बोर्ड गेट निहोंगो क्लास में आइए और जापानी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लीजिए। तब मैं फिर आपका नौकरी फिर प्लेसमेंट करवा देती हूँ। ऐसे चिंता मत कीजिएगा। ऐसे जो अभी तक भी जो 15-20 लोग जापान भेज चुके हैं, तो ऐसे जो वहाँ पर काम करते हैं, जो उन लोगों का बात को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो वहाँ पे काम करते हैं, कोई का बहुत तकलीफ भी मिलता है। जैसे बताए हुए थे कंस्ट्रक्शन का काम में इतना तकलीफ है, लेकिन जो हाँ हो जाएगा हम तो मेहनत करेंगे ऐसे करके चले गए, लेकिन जो वहाँ पर गए तो बिल्कुल जो अपना सोच से और ज़्यादा जो काम मिल गया। ऐसे जो जापानी लोग हैं बिल्कुल दिन भर पूरा मेहनत करते हैं, तो काम करने का तरीका भी यहाँ से कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहाँ जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, तब पता चलेगा। बिल्कुल सेना बनना है, इसी तरह सोचेगा। बिल्कुल सेना आर्मी में काम करना है, इसी तरह सोचेगा। जापानी कंपनी में काम करना है, कंस्ट्रक्शन में तो खास करके है, लेकिन और भी जो कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी जैसे नर्सिंग होम में और कोई सोइंग फैक्ट्री में, कहीं भी जापानी लोग के साथ काम करना है, तब आप लोग को बिल्कुल सोचना होगा। जैसे आर्मी में ज्वाइन किए, इसी तरह धीरे बनाकर जाइएगा। तो जाने से पहले और बिल्कुल शरीर को जैसे पुशअप जैसे लगातार 50 बार 100 बार कर सकते हैं, इसी तरह बॉडी बनाकर जाइएगा लड़की भी क्योंकि दिन भर पूरा काम करते हैं जापानी लोग, और जो काम करने का स्टाइल भी इंडिया में बहुत स्लो है, बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल आराम से, क्योंकि बहुत गर्मी है इसलिए जो अकबक में सब नहीं रहते एकदम आराम से करते हैं। लेकिन जापान में है बिल्कुल एकदम मिनट तुरंत अभी एकदम मिनट पूरा दौड़ते रहना है। तब आप लोग को बहुत शरीर मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं बताना चाहती थी लेकिन थोड़ा सा समय कम हो गया। जो जापान में भी कहीं भी वर्ल्ड में जैसे जो कैसा इंडस्ट्री होता है ये सब बताना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारा इंडस्ट्री है। तो जापानी में कैसे कैसे बोलते हैं, ऐसे जो जैसे नौगयो हो गया, नौगयो मतलब एग्रीकल्चर किसान वाला काम है। तो इसमें भी बहुत सारा उम्मीद है। जापान में जो युवा लोग का बहुत कमी है, तो वहाँ पर बहुत डिमांड है काम करने का स्टाफ। तो जैसे जो किसान भी जो है, वहाँ का जो किसान थोड़ा बिल्कुल साइंस तरीका से करते हैं। यहाँ का जो किसान भी जो बहुत बड़ा सिटी के बगैर में तो बिल्कुल जो जापान जैसा करते हैं। पूरा हमेशा मौसम आगे का मौसम कैसा है पूरा एकदम हिसाब करके पूरा दिमाग चाहिए, और पूरा बड़ा ट्रैक्टर पूरा चलाते हैं, मशीन चलाते हैं। जैसे धान को प्लांट करना है, उगाना है, तो मशीन से करते हैं, पूरा मशीन से करते हैं। और जो प्लांट को फिर पानी देना है मशीन से, फिर प्लांट को काटना है, धान गेहूं काटना है, ये भी ऐसे हाथ से नहीं काटते हैं, पूरा जो मशीन से जैसे ट्रैक्टर जैसा मशीन से पूरा काटते हैं। और फिर जो धान का जो दाना है ना, तो वो सब प्लांट से निकलते हैं, नेवारी से निकलते हैं, तो वो सब भी मशीन से करते हैं। सारा चीज जो है वहाँ का एग्रीकल्चर है, बिल्कुल जो नया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके करते हैं। तो इसमें भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि इसमें भी बहुत एप्लीकेंट आ जाए जो किसान वाला काम है, क्योंकि जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसान लोग ने पूरा इंडिया को पूरा सपोर्ट करते हैं। किसान नहीं रहता तब इंडिया में इतना लोग नहीं रह सकते हैं। अभी लॉकडाउन में पता चला ना, जो खाना पीना जो बिल्कुल बेसिक अनाज वगैरह कितना इम्पोर्टेंट है, लॉकडाउन में पता चला। बिल्कुल किसान लोग के जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहाँ पर पूरा लेटेस्ट वाला पूरा साइंस वाला मशीन वाला टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर का टेक्नोलॉजी सीख कर इंडिया में वापस आइए, तब पूरा इंडिया का जो एग्रीकल्चर को पूरा आगे विकास करवा दीजिए। ऐसे मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आगे देखिए, आगे अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस खत्म होगा तो फिर कौन सा वायरस आएगा और क्या क्या चलेगा, देश का लड़ाई होगा, ये भी कुछ नहीं पता है। तब ऐसा इमरजेंसी का समय में क्या होता है कि कम से कम खाना रोटी मिलना चाहिए, है ना। तब जो आगे जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा किसानी वाला काम, एग्रीकल्चर का काम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसमें भी बहुत उम्मीद है, आप लोग अप्लाई इसमें भी कर दीजिएगा। और जो जापान में बहुत डिमांड होता है, जो खाना वगैरह के रेस्टोरेंट में, होटल में, रेस्टोरेंट में, लेकिन अभी कोरोना वायरस के चलते थोड़ा ये सब पूरा बंद हो गया है, लेकिन फिर कोरोना वायरस खत्म होगा तब फिर चलेगा। ये सब भी होता है। और जो है किया हुआ का तो आगे बहुत डिमांड चलते रहेगा, क्योंकि जो वहाँ के बूढ़ी बुरा लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, पूरा संख्या बढ़ते जा रहा है, युवा लोग का संख्या कमते जा रहा है। तब उन लोग का सेवा करने का जो किया हुआ का बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा है कि जो किया हुआ का में चले गई लड़की लोग से बात सुनकर, जो शुरू में तो चिंता कर रहे थे यहाँ के जो एकदम देहात के लड़की लोग जो इंडिया से वहाँ अचानक जाकर कैसे कैसे जो नर्सिंग होम में काम करेंगे, बहुत चिंता कर रही थी। लेकिन जो वहाँ पर जाकर जो बहुत अच्छा से चल रहा है और फीडबैक अच्छा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसी तरह फीडबैक आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आगे और भी किया हुआ का जो कोई लड़की लोग बांधना चाहेंगे तब फिर इसमें भी अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत अच्छा है। वहाँ जैसे किया हुआ का में होता है कि 5 दिन काम कीजिए और 2 दिन छुट्टी है, और 8 घंटा का काम है, पानी भाषा बहुत अच्छा हो जाएंगे, पेशेंट के साथ बात करते करते बहुत अच्छा हो जाएंगे। तो इसमें बहुत अच्छा नौकरी है, तो मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ। और देखती हूँ कौन कौन फिरはい、リアンさん、こんにちは。サパナさん、こんにちは。はい、ラジュソーさん、こんにちは。はい、アヌラグさん、こんにちは。マサヨさん、こんにちは。今、ヒンディー語学校お休みなんですね。なるほどね、ヒンディー語ね、すごくお上手なのでびっくりしてます。また頑張ってください。マヤンクさん、はい、こんにちは。はい。はい、ラダさん、こんにちは。はい、イッシュカリアさん、こんにちは。I love Japan って言ってくださってますね。ありがとうございます。はい、ダニッシュさん、こんにちは。はい、はい、ビカスさん、アニメके बारे में बताओ। फिर ने अगले बार एनिमे के बारे में फिर बताती हूँ। ऐसे मैं बहुत पेंटिंग करती हूँ, एनिमे का जो कार्टून भी बनाती हूँ, फिर कैसे कैसे बनाते हैं फिर दिखाऊंगी।はい。そうですね、サイフさん、たくさん会社がありますね。はい、カンパニー、バオサラヘ。はい、ビットゥさん、ありがとうございます。こんにちは、元気です。はい。はい、ミテッシュさん、ミテッシュシャンディリアさん、こんにちは。はい、アニゲットさん、ありがとうございます。農業のことね。アグリカルチャーケバレムね。はい、ありがとうございます。はい、ニールバン、アビラッシュさん、はい、こんばんは。スカラシップね。はい。またスカラシップについてもまた教えますね。スカラシップマレメビフィルアゲ、バタオギ。はい、ビカーシュロイさん、こんにちは。はい、ミヌさん、カハンパルヘ、アプカインスティチュート、メラインスティチュートヘ、ボードガヤ、ガヤジラメ、बिहार में है, बिहार स्टेट में है. と、अभी ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाला है.तो फिर दूर है तो दूर में रहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं. はい、ゴル君ワーカホリックと ठीक है बट जापानीज कंपनी ओवर टाइम का पैसा नहीं देती है. ये गलत है ना. オーバータイムか पैसा ね、ミレがオーバータイムか पैसा देता है. ऐसे जो जापानी कोई कोई कंपनी पर डिपेंड है.तो कोई कंपनी है देता भी नहीं है. ऐसे जो ब्लैक कंपनी बोलते हैं बहुत खराब कंपनी बोलते हैं, बहुत ज्यादा जो कंजूस वाला कंपनी भी होता है. लेकिन जो अधिकतर ऐसे ओवर टाइम का जो पैसा तो मिलना चाहिए. और जो खास करके टीआईटीपी में भी बहुत सारा जो कंपनी होता है. तो मेरा जान पहचानने वाला जो कंपनी है टीआईटीपी का कंपनी है.तो वहाँ से तो ऐसे जो पैसा तो अच्छा से मिलता है, सैलरी अच्छा से मिलता है. ओवर टाइम का पूरा हिसाब करके जितना करेंगे उतना मिलेगा. क्योंकि वहाँ पर जो देखभाल करते हैं जो कुछ टीआईटीपी के जो लोगों को दिक्कत होगा तो फिर कंपनी को भी कंप्लेन बोलते हैं. जो बीच वाला जो कंपनी है ना वो बहुत अच्छा काम करते हैं.इसलिए इसमें कोई चिंता का जरूरत नहीं है. हाय मीना सा, मुझे बताइए N1 कैसे करूं. हाय N1 तो बहुत आगे हैं. सबसे पहले जो एक स्टेप लीजिएगा. N5 से स्टार्ट कीजिए, फिर N4 N3 ले लेंगे तो कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल सकता है. लेकिन N1 लेने में बहुत मेहनत चाहिए. はい、TITP けलिए एज लिमिट क्या है. ऐसे TITP けलिए 18 साल से 30 साल तक, मतलब 30 होने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 30 साल के अंदर होना चाहिए.はい、はい、ゴル君、そうですね。ジャパン系ワークカルチャーबहुत हेक्टिक है, हेक्टिक बहुत ज्यादा व्यस्त ने, lot of stress है, हाँ स्ट्रेस है. वहाँ लंबे समय तक काम नहीं किया जा सकता.そうね、インド人にはちょっと難しいかもね。でもだからこそまあそこで頑張ったらね。まあ、インドで働くよりもたくさんお給料がもらえますね。मेहनत चाहिए, बहुत तकलीफ का काम है जापान में काम करना. लेकिन उतना सैलरी इंडिया में नहीं मिलता है. तो आराम से काम करना है तो इंडिया में काम कीजिए और मेहनत करके पूरा पैसा कमाना है तब जापान में काम कर दीजिए. はい。はい、アバイナートさん、こんばんは。はい、ラケッシュさん、はい、こんばんは。はい、そうですね、アグリカルチャーもいいですし、オートモービルもね、すごく有名ですね。オートモービルはラファクトリービー、バウサラヘ。はい、アバイナッツさん、ハッピーマダーズデー、ね、言ってくださってます。ありがとうございます。今日はね、母の日ですね。ハッピーマダーズデーね、母の日ね。母の日ですね。はい。マダーズデーね。はい。ありがとうございます。はい。サバンカンさん、こんばんは。はい。マヤンクさん、マム N5 के लिए TITP से जा सकते हैं क्या? N5 पे किस तरह का जॉब मिलेगा और सैलरी कितना होगा? そうですね。अगर N5 लेवल में वहाँ जाना चाहेंगे तब जो कंस्ट्रक्शन वाला काम, कंस्ट्रक्शन या जो दीवार पे पेंट करने का काम होता है, तो उस तरह मिल सकता है। लेकिन जो TITP में जाना है तो कोशिश कीजिए N4 तक लेने का कोशिश कीजिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन N4 तक लेवल रहेगा तो वहाँ जाकर काम करने में दिक्कत नहीं होंगे।はい、ありがとうございます。TITP सबसे बेस है बोले थे, जो सिर्फ TITP नहीं है, जो बहुत तरह के जो वहाँ पे नौकरी करने का मौका है। तो फिर कंसल्टिंग कर दूंगी। तो आप लोग फिर जो BNC में ज्वाइन कर दीजिएगा।はい。はい、アバイナトさん、Thanks to translate Mother's Day in Japanese。はい、どういたしまして。はい、ありがとうございます。多分、ऐसे जो आप लोग समझ गए ना, तो फिर और कुछ क्वेश्चन करना है तो फिर ये कुछ देर के बाद फिर जो YouTube かチャンネルमें ये वीडियो आ जाएगा। तो फिर कमेंट में इसमें भी ठीक है, और कमेंट में भी फिर क्वेश्चन कर दीजिएगा।はい。じゃあ今日は、これぐらいに、しておきますね。皆さん、今日も、ライブストリームに、来てくださってありがとうございました。はい。あ、ゴル君、ありがとうございます。母の日、おめでとうございます。子供たちからプレゼントかなんかもらいましたか？はい、もらいましたよ。あまね、絵持ってきて、絵描いてくれたでしょ。持ってきて。はい。मेरी छोटी बेटी मुझको गिफ्ट दी थी, तो ये पूरा ड्राइंग करके। मम्मी ना हो मरा ने? ने?パパがマミーのやつを書いたから。はい。これです。これ書いてくれました。日本語でね、見えるかな。日本語で、マミー、大好きと書いてくれてます。ね。はい。ね、はい、こんなプレゼントもらいました。ね、ハッピーマダーズデーかギフトはメリーチョーティベティね、バナイティ。はい、ありがとうございます。ね、頑張って書いてくれたね。ありがとうね。はい、じゃあ今日は本当に、はい、ありがとうございました。皆さんね、貴重な時間ね、ありがとうございました。はい、じゃあまた、ライブで会いましょう。はい。それじゃあ終わりますね。はい、さようなら。ありがとうございます。